She is our patient. She came from the Punjab. आप प्लीज बताएं इनका नाम क्या है एंड क्या प्रॉब्लम है? सर बताएंगे बट मेरा नाम है, मैं पंजाब से आई हूँ चंडीगढ़। मैं 10 साल की थी तो मेरे को उस टाइम आरपी का जो है तो पता चला था, वॉक करने में उनको प्रॉब्लम हो जाती थी। अब जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती गई। मेरी फैमिली ने पूरा सर्च किया, सारा देखते रहे, होम्योपैथिक चंडीगढ़ में भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, पूरा सर्च करते रहे। तो हमने जब दिल्ली में ये देखा तो यहाँ से हमने कॉन्टैक्ट किया और डॉक्टर से बात की और ये हम ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे पहुँचे। तो हॉस्पिटल वालों ने हाँ मेरे को इंजेक्शन अब दिया गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि हड्डी में भी दिया। मैं और अब डेफ को जो है मेरे साथ वाले सभी को यही गाइड करना चाहूँगी कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो भी आगे अपना ट्रीटमेंट ऐसे करवाएं तो उनको भी हेल्प मिल सके। श्योर। एंड आपको स्टेम सेल के बारे में कैसे पता चला? उसने बताया ना पहले कि सर्च किया, रिसर्च करके। आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट मतलब पूछा था आने से पहले कि मैं कराऊँ ना कराऊँ? हाँ, काफ़ी सारे डॉक्टर से हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे है। हर एक डॉक्टर की अपनी अलग अलग राय थी। तो फिर हमने जैसे आप लोगों से कॉन्टेक्ट किया जब गए हॉस्पिटल में तो डॉक्टर से मिले तो उनकी बातों से थोड़ा सा हमें सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि ऑलरेडी कभी होम्योपैथी कभी आयुर्वेदिक करवा रहे थे तो हमने बोला चलो ये भी करवा के देख लेते हैं कि अगर मे भी इसका बेनिफिट हो। एक जो आपको डर था ट्रीटमेंट से पहले, हाँ, कि इसका जो साइड इफेक्ट या बहुत ज्यादा पेन, हाँ, वो था थोड़ा डर का था। सो कल हमने जो स्पाइन में दिया, हाँ, इंजेक्शन इन दोनों आईज में भी दिया हमने, सो अभी 24 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं। सो अभी कितना पेन है, मतलब सेम है या अब? हाँ, वो अभी इसका पेन नहीं है। स्टार्टिंग जो थोड़ा सा हुआ तो वो नेचुरल था, तो उसके बाद इस लड़की शी इज ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं हुआ। तो सुबह में आप बता रहे थे कि इन्हें विजन थोड़ा क्लियर हुआ है पहले, क्योंकि इसको डाउट था कि मैंने इतनी बार मेडिसिन खाई या इतने बार तो कोई मेरे को कोई फील नहीं हुआ गुड। तो सुबह जैसे उठी तो इसने थोड़ा सा अपने आप को फील कर तो इसने अपना मोबाइल या बुक लेके तो अपने आप की टेस्टिंग किया कि मेरे को कैसे। तो उस टाइम ये खुश हुई कि मेरे को जो वो ब्लर हो रहा था, बिल्कुल धुंधला सा नजर आ रहा था, वो उससे मेरे को मतलब वो चीज़ नहीं है, क्लियर हो गई। तो मे भी आगे आगे थोड़ा सा थोड़ा सा कहती कितने परसेंट आपको गुड फील हुआ? पहले ऐसे धुंधला सा था, अभी मेरे को क्लियर नजर आ रहा है। अभी मैं जब चल भी रही हूँ तो मेरा बैलेंस खराब नहीं हो रहा। ओके, ग्रेट। सो वी विल प्रे कि इनको अच्छा इंप्रूवमेंट हो। थैंक यू।